टॉपिक से हम शुभ विलास प्रभु से सुन रहे हैं कि क्योंकि स्वयं शुभ विलास प्रभु रामायण के बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाई किया है, यहाँ तक कि उनको PhD है, ही इज़ अ PhD इन रामायण। तो मैं उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन इंग्लिश में, मैं हिंदी में बोलने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि आज अभी तीनों शाम के जो क्लास होंगे, आज का, कल का और परसों का, ये हिंदी में ही होंगे। और वो सुबह शुभ श्रीमद् भागवतम क्लास दे रहे हैं, वो दैट इज़ इन इंग्लिश। तो डॉक्टर शुभ विलास, उन्होंने पेटेंट लॉ इसका पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग डिग्री किया, उसके बाद उन्होंने ही चोस, फिर उन्होंने अध्यात्म की तरफ जो मुड़े, वो स्वयं PhD डिग्री लिया है उन्होंने, पिछले महीने ही उन्हें PhD डिग्री मिला है। उन्होंने थीसिस लिखा था, लीडरशिप एंड मैनेजरियल इफेक्टिवनेस फ्रॉम वाल्मीकि रामायण। 11 साल वो श्री राधा गोपीनाथ चौपाटी मंदिर में रहकर उन्होंने सेवा किया है, और कई लीडरशिप रोल्स और कांग्रेशन डेवलपमेंट मैनेजमेंट में उन्होंने सेवा किया है। अभी इस्कॉन का जो गोवा कट मंदिर है और पूरा गोवा में जो प्रचार चलता है वो उनके गाइडेंस में चलता है, बहुत बड़ा कांग्रेगेशन है और बहुत अच्छी सेवाएं वहाँ पर हो रही हैं। तुलसी बुक्स के नाम से एक पब्लिशिंग हाउस है, जो ग्रंथ पुस्तकें छापते हैं, ये प्रिंटर है, प्रिंटिंग हाउस है, उसके वो हेड हैं। उन्होंने गीता चैम्पियंस लीग, ये जो गीता के ऊपर, गीता की पढ़ाई करके स्कूल के बच्चों को उसके ऊपर एग्जाम्स कंडक्ट करना, उसको उन्होंने शुरू किया था। इट्स अ ह्यूज सक्सेस एंड इट्स एन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नाउ। नौजवानों में, कॉरपोरेट्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट्स, सबके साथ, सब में जाकर वो वर्कशॉप, सेमिनार्स, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, लर्निंग रिट्रीट्स वो कंडक्ट करते हैं। 6,000 से ज़्यादा लेक्चर्स वो दे चुके हैं, 6,00,000 से ज़्यादा लोगों के वो टच में हैं, 20 से ज़्यादा देशों में वो पिछले 10 सालों से जा रहे हैं। ही इज़ अ विजिटिंग फैकल्टी एट प्रीमियर बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल्स लाइक IIMs एंड नारसिमोनी इंस्टीट्यूट इन मुंबई। ही हैज़ बीन अ गेस्ट स्पीकर एट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉस्टन, ड्रेसडन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जर्मनी, Wits Johannesburg and several prestigious institutes in India. वो पूना के MIT कॉलेज के ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी हैं। अमंगस्ट कॉरपोरेट्स कंपनियों में वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सैमसंग, इनके वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स में जाकर भी उन्होंने क्लासेस दी हैं, अपने सेमिनार्स दिए हैं। वो एक लेखक है, एज एन ऑथर ग्रंथ पुस्तकें लिखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो अपना इसे समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझते हैं। कई बेस्ट सेलर्स उन्होंने बुक्स लिखे हैं, इन प्रभु जी के जो बुक्स हैं वहाँ पीछे बाहर स्टॉल भी लगाया है, रामायण द गेम ऑफ लाइफ सीरीज उनकी बेस्ट ऑथर्स में, बेस्ट सेलिंग बुक्स में रहा है, ओपन आइड मेडिटेशंस, मैजिक ऑफ फ्रेंडशिप्स, इस प्रकार से मोर देन 30 बुक्स ही हैज़ रिटन, है ना। तो आइए हम इस शुभ विलास प्रभु का इस्कॉन विशाल नगर में स्वागत करते हैं, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वी एक्सपेक्टिंग क्लोज टू 125 गेस्ट, दे मे जॉइन बिकॉज मे इट्स अ मंडे। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारी, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन,
यमुना तीरा वनचारे यमुना तीरा वनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारे यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि वो हरि वो नित्य गौर हरि वो ओम ज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंच कल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के इस कथा में, राम कथा में। हम तीन दिन लगातार हम शाम को राम कथा करेंगे और खासकर दशहरा और दिवाली आ रहा है तो ये महीना जो है रामायण महीना है, एक हिसाब से देखेंगे तो ये महीने में तो राम कथा होनी ही चाहिए, है कि नहीं। तो दशहरा अभी परसों ही है तो और भी महत्व है राम कथा का। तो हम अगले तीन दिन में क्या क्या करने वाले हैं मैं बताने वाला हूँ अभी। आज हम पूरे रामायण को एक संक्षिप्त रूप में देखने वाले हैं और इस तरीके से हम रामायण को देखने वाले हैं कि आप लोग सोचेंगे कि मुझे रामायण मालूम ही नहीं है। जो आज की कथा के बाद आप में से किसी को लगा मुझे रामायण मालूम है तो मेरा कथा व्यर्थ हो गया और आप लोगों में से सबको लगेगा कि आज अभी तक रामायण को मालूम ही नहीं है तो मतलब मेरा कथा सफल हो गया, है कि नहीं। कल हम लोग रामायण की सुंदरकांड के ऊपर चर्चा करने वाले हैं थोड़ा सा संक्षेप में, और परसों जो है जो रामायण राम रावण का युद्ध हुआ उसका, उस कहानी के द्वारा हम लोग क्या क्या सीख प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये संक्षेप में तीन दिन का प्लान है, प्लान अभी भी बनाया मैंने, यहाँ पे बैठने के बाद मुझे मालूम ही नहीं था मैं क्या बोलने वाला हूँ लेकिन अभी प्लान बन गया है तो फर्स्ट क्लास प्लान बन गया है, तो देखते हैं क्या होता है कि नहीं। मैं खासकर शुरू करने से पहले कन्हैया ठाकुर प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे दशहरा के समय तीन दिन यहाँ पे रामकथा करने का अवसर मिला। उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया वो इतने स्वीट है, उनको कभी ना नहीं बोल पाया मैं, जो भी पूछते मैं हाँ बोल देता हूँ अल्टीमेटली क्योंकि इतने अच्छे वक्त है और इतना अच्छा प्रचार कर रहे हैं तो मुझे सोचा मैं थोड़ा उनको थोड़ा सा उनकी मदद कर पाऊँ तो मेरी सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आज का जो मैंने कहा था कि हम पूरे रामायण को संक्षेप में देखेंगे, जो आज का कथा है मैं तीन भाग में डिवाइड करने वाला हूँ। पहले भाग हम रामायण के कुछ पात्रों को लेंगे, कुछ कैरेक्टर्स को लेंगे और उन कैरेक्टर्स के नाम से हम क्या सीख सकते हैं वो समझेंगे पहले। तो सिर्फ रामायण के कैरेक्टर्स के नाम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद रामायण की मैं एक दो कहानी लूँगा और उस कहानी के गहराई से तक जाएंगे और उस कहानी से हम क्या सीख सकते हो समझने की कोशिश करेंगे। तो मतलब इसी तरह रामायण की कोई भी कहानी ले लो उसमें उतना ही गहराई होगा। और तीसरा जो भाग है आज के कथा का वो संपूर्ण रामायण को किस तरीके से समझना है, वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण लिखा हुआ है क्यों लिखा है और क्या उद्देश्य से लिखा है और पूरे रामायण से हम लोग क्या सीख सकते हैं वो हम समझेंगे, ठीक है। तैयार है सब, अपना सीट बेल्ट डाल लीजिए, हम लोग उड़ने वाले हैं एक अलग ही आसमान में। रामायण में बहुत सारे किरदार है और रामायण की खास बात यह है कि हर किरदार का एक महत्व है और उनके नाम के पीछे एक रहस्य है। जैसे रामायण का जो मेन किरदार राम है, राम मतलब क्या, राम मतलब जिनका नाम लेते ही मुस्कान आ जाएगा,
अच्छा लगेगा, आपको आनंद आता है, वो है राम। तो हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको याद करते ही हमें अच्छा लगता है कि नहीं। तो हमारे जीवन में हम राम का महसूस तब करते हैं जब हम कुछ अच्छे लोगों को का अनुभव करते हैं। रामायण में और एक किरदार है रावण। रावण का मतलब क्या है? जो दूसरों को रुलाता है। और हमारे जीवन में भी ऐसे लोग हैं जिनको जो सामने आते ही हम लोग रोने लगते हैं। किसी के लिए बॉस है, किसी के लिए पत्नी है, किसी के लिए सासू माँ है, ये बहुत सारे लोग हैं जो सामने आते ही रोने लगते हैं हम लोग, वो हमारे जीवन में रावण है। तो ऐसा नहीं कि राम रावण बहुत पहले के थे, अभी भी है, हमारे आजू बाजू में ही है ना। रामायण में एक किरदार है दशरथ महाराज। जो दशरथ का मतलब क्या है? रथ मतलब घोड़ा, चैरियट, रथ। दशरथ मतलब जिनका जो रथ है वो दश दिशा में जा सकता है, उसका उनका नाम दशरथ है। तो दशरथ महाराज का रथ सही में दस दिशा में जा सकता था, उनका एक ऐसा वरदान था। लेकिन दशरथ का और एक मतलब है, और एक मतलब क्या है? दशरथ मतलब जिनके दस इंद्रियां उनके वश में है, उनको भी दशरथ कहा जाता है। तो मतलब जिस व्यक्ति के दस इंद्रियां वश में है वो दशरथ हो गए। और दशरथ कहां रहते हैं? अयोध्या में रहते हैं। अयोध्या शब्द का मतलब, अयोध्या शब्द जो है युद्ध शब्द से आता है। युद्ध का मतलब क्या? झगड़ा। और अयुद्ध, अयोध्या का मतलब जहां पे कोई द्वंद्व नहीं है, कोई झगड़ा नहीं होता है। तो जिस व्यक्ति के दस इंद्रियां उसके वश में है और जिसका मन स्थिर है, अयोध्या जो है हमारे मन को रिप्रेजेंट प्रतीत करता है, और जिस व्यक्ति का मन स्थिर है, जिसके दस इंद्रियां काबू में है और जिस व्यक्ति का मन स्थिर है, उसके जीवन में राम का जन्म होता है, उसके जीवन में भगवान का जन्म होता है। तो ये एक अंदरूनी तरीका है रामायण को जानने का। और रामायण में एक और किरदार है दशानन। रावण का और एक नाम है दशानन। तो दशरथ हो गया, अभी दशानन है। दशानन मतलब क्या? जिसके दस सर है ना। लेकिन दशानन का और एक मतलब है जिसके दस इंद्रियां उसके वश में नहीं है। दशरथ का मतलब जिसकी दस इंद्रियां उसके वश में है, दशानन मतलब जिसकी दस इंद्रियां उसके वश में नहीं है। और वो रहता किधर है? लंका में। और ऐसा बताया जाता है लंका ऐसा जगह है जहां पे कोई रात को सोता नहीं है। आप अभी बोलेंगे पुणे में भी कौन सोता है? एक ही बात है के लिए समझ जानेगा। तो मतलब जिस व्यक्ति के इंद्रियां उसके वश में नहीं है, उसका पहला चीज क्या उड़ता है? पहला नींद उड़ता है उसका। तो रामायण के हर किरदार को आप देखेंगे तो उसका हमारे जीवन में डायरेक्ट कनेक्शन है। जैसे रामायण में और एक किरदार है जिनका नाम है वाली। वाली के पास एक वरदान था कि उसके सामने उसका जो भी शत्रु आता है उसका आधा शक्ति जो है खींच लेता है वाली। उसके पास एक शक्ति था, एक ज्वेल था। तो मतलब उसका, उसके सामने आ गए आप तो आपका आधा शक्ति खत्म, और वो दुगना शक्ति शक्तिशाली बन जाता है वाली, है ना। तो वाली हमारे जीवन में भी है। वाली कौन है हमारे जीवन में? टेम्पटेशंस, जो प्रलोभन, जो वस्तुएं हमें प्रलोभित करते हैं वो वाली है। जैसे किसी को डायबिटीज हो गया, उसके सामने गुलाब जामुन लेके आओ, क्या होगा? उसका ना बोलने का शक्ति जो है एकदम कम हो जाएगा और वो गुलाब जामुन दुगना शक्तिशाली बन जाता है, वो वाली है। तो हम सबके जीवन में कोई ना कोई वाली है, कोई ना कोई वस्तु है जो वाली का रूप लेके आता है ना। तो रामायण के हर किरदार को आप देखोगे इसी तरह हमारे जीवन में डायरेक्ट कनेक्शन है उसका। आप सब लोग अपना अपना मोबाइल फोन प्लीज साइलेंट मोड पर डाल दीजिए, हम लोग अलग दुनिया में है, तो यहाँ पे मोबाइल टोन बजेगा तो सबका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना। तो रामायण के हर किरदार को आप देखेंगे इसी तरह, तो हर किरदार हमारे जीवन में आज भी है। अभी हम लोग
रामायण की एक कहानी लेंगे और एक कहानी से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा एक सबसे फेवरेट कहानी है वो मैं बताऊंगा रामायण का, और ये बहुत सुंदर कहानी है। जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास में थे, तब एक दिन सुवर्ण मृग आया उनके जीवन में, है ना। तो जैसे ही सुवर्ण मृग आया, सीता को लगा मुझे ये चाहिए। तो सीता ने राम को कहा, आप मुझे ये सुवर्ण मृग लेके आइए। तो राम कहते हैं लक्ष्मण को, आप सीता का देखभाल करो, मैं जाके सुवर्ण मृग लेके आता हूँ। और राम चले जाते हैं। सुवर्ण मृग को रामायण में वाल्मीकि मुनि क्या कहते हैं मालूम है? उसको अभिराम कहते हैं। अभिराम, अभिराम का मतलब क्या? जो राम नहीं है। तो जैसे ही सुवर्ण मृग आपके जीवन में आ जाता है, राम चले जाते हैं आपके जीवन से। तो सीता ने कहा मुझे सुवर्ण मृग चाहिए, तो राम चले गए। तो राम जब गए मृग के पीछे, एक समय के बाद उनको पता चल गया कि ये सुवर्ण मृग नहीं है, ये राक्षस है। तो राम ने उसको मार दिया। तो जैसे ही वो तीर जो है मरीच को लग गया, तो वो बहुत जोर से उसने चिल्लाया, राम के आवाज में उसने सीता और लक्ष्मण का नाम लिया और वो मर गया। यहां पे सीता और लक्ष्मण प्रतीक्षा कर रहे हैं राम के लिए। सीता और लक्ष्मण को आवाज सुनाई दिया राम का, क्या बोलते हुए? सीता और लक्ष्मण को बुलाते हुए, पुकारते हुए। तो सीता को लगा कि राम जो है मुश्किल में है। तो सीता ने लक्ष्मण को कहा जाके राम की मदद करो। लक्ष्मण हंसने लगे, क्यों? मतलब जब जीवात्मा संकेत प्रॉब्लम में होता है, संकट में होता है, क्या करता है? ए भगवान चिल्लाता है ना। कभी ऐसा देखा क्या, भगवान प्रॉब्लम में है और बोल रहा है ए जीवात्मा मुझे बचाओ, है ना? मतलब कभी होता है ऐसा? तो लक्ष्मण सोचने लगे यार एक संभव भी कैसा है कि राम मुझे बुला रहे और सीता को बुला रहे, मतलब पॉसिबल भी कैसा है? क्योंकि लक्ष्मण जो है गुरु है, तो उन गुरु को ज्ञान होता है ना। तो हंसने लगे। तो सीता सोच रही है अरे राम मुश्किल में है और ये हंस क्यों रहे। तो सीता को और गुस्सा आ गया। देखिए लक्ष्मण और सीता के बीच में एक अंतर क्या था, सीता जो थी राम मुश्किल में है ये सोच के वो बहुत कंसर्न्ड थी, उसको बहुत व्याकुलता या बहुत डर लग रहा था, चिंता लग रही थी कि वो राम को क्या हो गया है। और लक्ष्मण एकदम कॉन्फिडेंट थे, उनको मालूम था राम को कुछ होने वाला नहीं है। तो मतलब दो लोग एक ही चीज को देख रहे हैं लेकिन अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, है ना। तो जब सीता ने लक्ष्मण को कहा जाओ राम को बचाओ, तो लक्ष्मण कहने लगे राम ने मुझे कहा यहां पे रहना है, मैं किधर नहीं जाने वाला हूं। तो सीता को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में सीता ने कुछ ऐसे शब्द का प्रमाण किया कि लक्ष्मण के हृदय को बहुत ठेस पहुंच गया। ये जो कहानी मैं बता रहा हूं ये उनके वनवास की 13वीं साल की कहानी है। तो 13 साल लक्ष्मण इनके साथ रहा है जंगलों में, 13 साल लक्ष्मण ने राम सीता की सेवा की है, और 13 साल जो है लक्ष्मण अपने पत्नी को छोड़ दिया, सुख सुविधाओं को छोड़ दिया, धन संपत्ति को छोड़ दिया, अयोध्या नगरी को छोड़ दिया, सब कुछ त्याग कर दिया उसने 13 साल अपने यौवन का, और इन दोनों की सेवा में लगा हुआ है। और ये 13 साल में लक्ष्मण एक रात भी सोया नहीं। जब मैं बोल रहा हूँ कि एक रात भी सोया नहीं, ऐसे नहीं कि दिन भर सो रहा था। आजकल लोग कॉल सेंटर जॉब करते हैं ना, रात भर जागते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं कि दिन भर सो रहे थे लक्ष्मण, दिन भर सेवा कर रहे थे और रात में वो रक्षण कर रहे थे सीताराम का। तो ये 13 साल के बाद सीता ये बोल रही है लक्ष्मण को, कह रही है मुझे मालूम है आप क्यों नहीं गए राम को बचाने के लिए, आप क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि आप ये समय का प्रतीक्षा कर रहे हो कि राम मुझसे दूर जाए ताकि आप मेरा संभोग कर सको। तो आप सोचिए, मतलब 13 साल इतना समय देने के बाद सीता जो है लक्ष्मण के चरित्र पर
वो लालछन लगा रही है, डाउट कर रही है, तो लक्ष्मण को बहुत दर्द हुआ, बहुत दुख हुआ। लक्ष्मण ने सीता को कहा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन मैं ये आश्वासन दे सकता हूँ कि जब मैं वापस आऊँगा आप यहाँ पे नहीं रहोगे। बोल के चला गया लक्ष्मण, कुछ कहा नहीं, ऐसे चले गए। तो जब लक्ष्मण राम के पास पहुँचे, राम ने लक्ष्मण को देखा जंगल में, राम उनको पूछ रहे, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुमको कहा सीता का रक्षा करो, तुम यहाँ छोड़ के यहाँ पे क्यों आ गए। दोनों वापस आए, सीता गायब। राम लक्ष्मण को झांपने लगे, बहुत ज़्यादा डांटने लगे, बोलने लगे, तुमको एक ही काम दिया वो भी नहीं कर सकते हो, तुम कुछ काम के नहीं हो। तो आप सोचो, आप दो लोगों के लिए आपने अपना जीवन दिया, 13 साल दिया लिटरली, सब कुछ छोड़ के आ गए, और एक आपके चरित्र को डाउट करता है और एक आपके कॉम्पिटेंस को डाउट करता है, तो आप वहां पे टिकोगे क्या? कोई और रहेगा लक्ष्मण की जगह पे, वो बोलेगा आप दोनों को गोली मारो, मैं जा रहा हूं अयोध्या वापस, अपना बोरिया बस्ते समेट के वापस चले जाते थे, है कि नहीं? तो लेकिन लक्ष्मण वहां पे टिके कैसे रहे? और इतना ही नहीं, लक्ष्मण जो रामायण में है वो एंग्री यंग मैन है, गुस्सा उनके नाक पे चढ़ा हुआ है ना, कभी भी गुस्सा आ जाता है उनको। और इतने गुस्से वाले व्यक्ति ऐसे मौके पे, ऐसे स्तर पे, वो कैसे उनको गुस्सा नहीं आया? अगर ये मैं जो अभी बोलने वाला हूं आप ये समझ गए, तो आप आपके जीवन के बहुत सारे समस्याओं को समाधान कर सकते हो। 30 साल का संबंध जो है 30 सेकंड में टूट सकता है, अगर आप ये जो सीक्रेट में जो बताने वाला हूं वो जानोगे नहीं। तो बहुत सारे लोगों की बीच में डिवोर्स हो जाते हैं आजकल, बहुत लोग अपने कंपनी को छोड़ देते हैं, बॉस को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि वो 30 सेकंड में ही बहुत कुछ हो जाता है ना, वो 30 सेकंड में जो शब्द बोल दिया आपके मुंह से, खत्म, संबंध टूट सकता है। तो लक्ष्मण ने क्या किया ये स्थिति में, ये जानना जरूरी है, और ये जो है रामायण से हम सीख सकते हैं। जब सीता ने वो वाक्य कहे उनके उनके मुख से, लक्ष्मण ने क्या किया? लक्ष्मण ने पॉज बटन दबाया, जैसे आप कोई एक्शन मूवी देख रहे हो और बीच में घंटी बजता है या फोन बज जाता है, क्या करते हैं? पॉज बटन दबाते हैं ना, तो मतलब वहीं पे रुको, मैं आता हूं। तो लक्ष्मण ने पॉज बटन दबाया और अपने आप को एक सवाल पूछा। लक्ष्मण ने क्या सवाल पूछा? सीता ये जो कह रही है, सही में ये मानती है क्या? जो बोल रही है ये शब्द जो है, वो सही में ये शब्द को मान रही है क्या? तो लक्ष्मण की हृदय से आवाज आया, नहीं। सीता को जो राम के प्रति जो कंसर्न है, उनके प्रति जो चिंता है, वो चिंता जो है ये शब्दों के रूप में आ रहा है बाहर। तो सीता सही में ऐसा सोच नहीं रही है, बस सीता को चिंता है राम के बारे में, वो चिंता जो है इन शब्दों का रूप लेके बाहर आ रही है। और जब राम ने उनको झापा, राम ने उनको अनाप शनाप कह दिया, तो फिर लक्ष्मण ने पॉज बटन दबाया और अपने आप को एक सवाल पूछा कि राम सही में ये बोल रहे हैं क्या? उनके हृदय से जवाब आया, नहीं। राम को जो सीता के प्रति चिंता है, वो चिंता जो है ये शब्द के रूप में आ रही है बाहर। अभी मैं जब ये कहानी कहता हूं लोगों को, तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं, प्रभु जी ऐसा स्थिति में जब हम आते हैं ना, कोई हमें बहुत बुरी तरह गाली देता है, बहुत बुरी तरह कुछ बोल देता है, तो पॉज बटन छोड़ो, रिमोट कंट्रोल की तरह मालूम नहीं पड़ता है ना? मतलब कोई हमको झाप दिया, बस तलवार लेके मारो, तो ऐसे ही हो जाता है ना। तो लक्ष्मण इतने गुस्से वाले व्यक्ति है, ये कैसे दबा पाया पॉज बटन को, और वो भी ऐसे समय में जब दो लोग जिनके लिए उन्होंने सब कुछ दिया, दोनों जो है उनको इंसल्ट कर रहे। एक विचार आया लक्ष्मण के मन में, और एक विचार के कारण लक्ष्मण पॉज बटन दबा पाए, लक्ष्मण जो है शांत रह पाए। क्या था वो विचार? वो एक विचार था कृतज्ञता का। तो जब सीता ने वो शब्द कहे लक्ष्मण को,
लक्ष्मण के मन में एक ही विचार आया। क्या सोच रहे थे वो? सीता ने 25 साल इस संबंध में उन्होंने बहुत प्रेम दिया है, सीता ने मुझे 25 साल इतना प्रेम दिया है, और एक गड़बड़ किया, एक बार कुछ गलत बोल दिया, तो ये एक गलती के लिए मैं 25 साल का जो प्रेम है क्या मैं उसको भूल जाऊं? ये एक सोच से वो अपने आप को रोक पाए। और जब राम ने कहा तो राम ने वो शब्द कह दिए तो उनको बहुत दर्द हो रहा था, तो वापस वही एक सोच था उनके मन में, 40 साल राम ने इस संबंध में बहुत प्रेम दिया है मुझे, और 40 साल के बाद एक गड़बड़ कर रहे हैं, एक बार उन्होंने गलती कर दिया, तो ये 40 साल का जो प्रेम है उसको मैं भूल जाऊंगा क्या एक गलती के लिए? क्योंकि वो एक सोच था कृतज्ञता का, लक्ष्मण अपने आप को रोक पाए। हमारे संबंधों में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं ना वही हमें सबसे ज्यादा गाली भी देते है कि नहीं? मतलब जो स्ट्रेंजर्स है रोड में रास्ते में जाने वाले वो हमको गाली दे देते, जो हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वही हमको सबसे ज्यादा गाली देते। तो उस समय हमको सिर्फ इतना ही एक क्षण के लिए रोकना चाहिए अपने आप को, तो ये गाली तो दे रहे लेकिन इतने साल प्रेम भी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं वो एक गाली को याद रखते हैं इतने साल का प्रेम को भूल जाते है कि नहीं? मोस्टली ऐसे हो जाता है। लेकिन लक्ष्मण देखिए, एक क्षण उसको मतलब उनको गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन ये कृतज्ञता का जो बात उनके मन में था उसके वजह से वो अपने गुस्से को थोड़ा शांत रख पाए और काबू में रख पाए। तब देखिए, ये रामायण की एक छोटी सी कहानी है, ये कहानी तो हमने बहुत बार सुनी है लेकिन इस कहानी को हम इस तरीके से देखेंगे तो ये कहानी में कितना मर्म है, कितना तत्व है। इस तरीके से रामायण की हर कहानी में इतना ही शक्ति है और इतना ही तत्व होता है। हम अभी संपूर्ण रामायण को लेंगे और संपूर्ण रामायण को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? रामायण जो है तीन शहरों में होता है, ऊपर अयोध्या, नीचे लंका और बीच में किष्किंधा। तीन शहर है जो प्रमुख शहर है रामायण के, अयोध्या, किष्किंधा, लंका। अयोध्या का जो शहर है उसको संस्कृति कहते हैं क्योंकि अयोध्या के लोग जो है बहुत ही सुसंस्कृत लोग हैं, बहुत चरित्रवान लोग हैं। अयोध्या में हर व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही शुद्ध जीवन जीता है। कम्बमुनि रामायण में कहते हैं कि अयोध्या ऐसा जगह है जहां पे कोई भी दुकान में ताला नहीं बिकता और कोई भी व्यक्ति दान नहीं देता। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसा शहर है? तो अंडर डेवलप शहर है, मतलब हमारे हर दुकान में ताला बिकता है ना, और हर व्यक्ति दान देता है, तो ऐसा कैसा अयोध्या बैकवर्ड है एकदम? कम्बू मुनि एक्चुअली उसका गुणगान कर रहे हैं अयोध्या का। क्यों? क्योंकि कोई भी अपना घर जो है उसको ताला नहीं मारता, ताला क्यों बिकेगा? राजा को जो खजाना है वो भी ताला नहीं मारते क्योंकि वहां पे कोई चोरी करता ही नहीं है, तो इसलिए अयोध्या में कोई भी दुकान में ताला नहीं बिकता है। और कोई दान क्यों नहीं देता? भिखारी नहीं है, भिखारी नहीं है तो दान किसको देगा? अभी आज भी आप गोवा जाओगे, भिखारी नहीं है गोवा में। हमारा प्रोग्राम के बाद कभी कभी प्रसाद बच जाता है, क्या करेंगे प्रसाद का, कोई देने के लिए दे ही लिए, दूर दूर तक जाएंगे तो भिखारी मिलता ही नहीं है। अब सोचो आज की तारीख में गोवा ऐसा है तो अयोध्या कैसा होगा? तो इसलिए वहां पर दान देने वाला कोई नहीं है। तो अयोध्या एक ऐसा शहर है जहां पे सब लोग जो है चरित्रवान लोग है। उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट लंका है। तो अयोध्या जो है संस्कृति है, लंका जो है विकृति है। संस्कृति का मतलब कल्चर, विकृति का मतलब वल्चर।
सब एक दूसरे को नोचते। लंका में एक भी जो चीज है वो रावण का नहीं है, सब चोरी का माल है। सब इधर से उठाया उधर से उठाया, पूरा लंका ही चोरी है, चोरी का माल है। कुबेर का प्रॉपर्टी था, उधर आके बैठ गया रावण, है ना। तो लंका में लोग जो है उनको चरित्र क्या है मालूम ही नहीं है, बस लूटना मालूम है, जो भी अच्छा लगे उठा लो खत्म। और किष्किंधा जो है बीच में है उसको प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति का मतलब है नेचर, कल्चर, वल्चर, नेचर। प्रकृति का मतलब क्या है, जैसे आप समंदर के तट पे हो, समंदर के तट पे आप खड़े हो तो पानी आ रहा है पानी जा रहा है ना, तो आप क्या बोल सकते हो, आप जमीन पे हो कि पानी में हो, बोल नहीं सकते, कभी पानी में कभी जमीन पे, है ना। तो किष्किंधा के लोग ऐसे हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। तो आप कब उनको देख रहे हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे जैसे सुबह सुबह जाके देखो माला के साथ बैठे हैं प्रभु जी, आ क्या लग रहा है वैकुंठवासी है, वही प्रभु जी को शाम को देखो समझ में आता है ये तो बड़ा राक्षस है बाबा। मतलब धीरे धीरे दिन में जैसे ढलता है राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ता रहता है ना, तो रात तक पूरा राक्षस बन जाते। तो किष्किंधा में ऐसे लोग है, तो किष्किंधा मतलब सब बीच वाले हैं बेसिकली, कभी इधर कभी उधर। अयोध्या में जो है सबके सब लोग कृतज्ञ है। कृतज्ञ मतलब क्या है, किसी ने उनके लिए कुछ किया तो जीवन भर याद रखेंगे, कभी भी भूलते नहीं है। अयोध्या में एक बार जब राज अभिषेक हो रहा था राम और सीता का, तो राज अभिषेक के समय वहां पे त्योहार चल रहा था, बड़ा धूमधाम का त्योहार चल रहा था। तो त्योहार के समय सिंहासन पे राम और सीता बैठे हुए हैं, तो सीता रोने लगी। तो राम को समझ में आता है कि रो क्यों रही है, अभी इतना उत्साह उत्सव चल रहा है और उल्लास का माहौल है तो सीता रो क्यों रही है। तो राम सीता को पूछते हैं आप रो क्यों रहे हो, तो सीता कहती है अभी त्योहार में किसी ने रंग फेंक दिया, तो अलग अलग रंग फेंकते उसमें से एक किसी ने लाल रंग फेंक दिया आसमान में। तब जब सीता ने लाल रंग को आसमान में देखा तो सीता को तुरंत जटायु का याद आया। जब जटायु को के पर रावण ने काट दिए तो जो जब जटायु नीचे गिर रहे थे उनका खून जो है ऐसे आसमान में बिखर गया, तो लाल खून जो है, तो सीता को उस समय वो लाल रंग को देख के जटायु को बलिदान याद आया। मतलब सोचो ये जो है सीता का जीवन का सबसे टॉप मोस्ट सक्सेस है ना। मतलब ये दिन जो है सबसे बड़ा दिन है सीता के जीवन के लिए, लेकिन वो किसको याद कर रही है, जिसने उसके लिए थोड़ा सा बलिदान दिया। मतलब ऐसा भी नहीं कि जटायु सक्सेसफुल हो गए, जटायु हार गए उस दिन, है ना। फिर भी सीता जो है जटायु का जो बलिदान है वो याद रख के कृतज्ञता व्यक्त कर रही है। ये अयोध्या के लोग हैं कृतज्ञ। लंका के लोग जो है कृतघ्न है, मतलब वो कृतज्ञता क्या होता है मालूम ही नहीं है। एक बार रावण जो है शिवजी का आराधना कर रहा था, तो शिवजी का आराधना किया, शिवजी प्रकट हो गए उनके सामने। तो शिवजी ने पूछा क्या चाहिए वरदान मांगो, तो रावण ने बोला मुझे दो वरदान चाहिए, पहला वरदान चाहिए कि मुझे आपका आत्मलिंग चाहिए। आत्मलिंग जो है शिव का बहुत एक स्पेशल लिंग होता है, तो शिवजी ने वो दे दिया आत्मलिंग। और उसके बाद रावण ने बोला शिवजी से मुझे पार्वती चाहिए। सोचिए जिससे प्रार्थना कर रहा है, जिसका वो आराधना कर रहा है, उसकी पत्नी मांग रहा है उससे, है कि नहीं। मतलब सोचो किस प्रकार का व्यक्ति है, जिसकी आप सेवा कर रहे हो उसकी पत्नी मांग रहे हो उससे। ये लंका का सोच विचार है। कृतघ्न मतलब किसी ने उनके लिए कुछ किया याद भी नहीं रहेगा। और किष्किंधा वाले जो है वो अकृतज्ञ है। अकृतज्ञ है मतलब क्या, ऐसा नहीं कि वो लंकावासी जैसे है कि बिल्कुल ही कृतज्ञता नहीं है, कृतज्ञता है बस भूल जाते हैं, कोई उनको याद दिलाता है तो वापस याद आ जाता है। हमारे जैसे
मतलब किसी ने लेक्चर दे दिया कृतज्ञ होना चाहिए, दो दिन तक रहेंगे, उसके बाद वापस नॉर्मल है ना। तो एक बार सुग्रीव जब राजा बन गया, राम ने वाली का वध कर दिया और सुग्रीव को राजा बना दिया, तो राजा बनने के बाद सुग्रीव ने राम को कहा कि मैं आपको मदद करूंगा, आपने मुझे मदद किया, मैं तो पक्का आपकी मदद करूंगा सीता ढूंढने में। तो राम ने कहा ठीक है। तो चतुर्मास शुरू हो गया था उस समय, बारिश का महीना शुरू हो गया था। तो राम ने सुग्रीव को कहा 4 महीने के बाद हम लोग शुरुआत करेंगे सीता को तलाशना, तो आप 4 महीने आप आराम कर लो, तो 4 महीने होते ही आप सीता की खोज शुरुआत कर दो। तो सुग्रीव ने मुंडी हिलाया और अंदर चला गया। तो राम चले गए मतंग पर्वत पे और वहाँ पे गुफे के अंदर बैठ के 4 महीना वो बहुत पीड़ा से गुजर रहे थे, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास कुछ, जिस व्यक्ति की जीवन में कुछ खो जाता है ना, उसका जीवन बहुत ही स्लो हो जाता है, बहुत ही दुख भरा हो जाता है ना। लेकिन जिस व्यक्ति को कुछ मिल जाता है उसका जीवन बहुत फास्ट हो जाता है। तो सुग्रीव को राज्य मिल गया, सुग्रीव को अपनी पत्नी मिल गई, सुग्रीव को सब कुछ मिल गया। वहां पे किष्किंधा के अंदर हर रोज वो पार्टी कर रहा है, हर रोज नॉन स्टॉप पार्टी चल रहा है। और 4 महीने कैसे बीत गए समझ में नहीं आया सुग्रीव को। अगर आप लेक्चर में बैठे हो, 1 घंटा खत्म ही नहीं होता है, तो अगर आप मूवी देख रहे हो 1 घंटा ऐसे खत्म हो जाता है कि नहीं। इसको आइंस्टाइन थियरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं। तो 4 महीने खत्म हो गए, सूर्य को पता ही नहीं चला 4 महीने कब खत्म हुए। तो यहाँ पे राम प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब आएगा, ये आ ही नहीं रहा है। लक्ष्मण को राम बोलते हैं भाई इसको जाके थोड़ा सा हिला के आओ। लक्ष्मण पूछता है राम को मार डालोगे उसको। लक्ष्मण का नाम बीच में कुछ मालूम नहीं है, या तो बहुत प्रेम करते या तो मार देते, बीच में कुछ नहीं है उनके जीवन में, बाइनरी 0-1। तो राम कहते लक्ष्मण को अरे भाई मैं उसको मारने के लिए नहीं कहा। राम एक बहुत अच्छा तत्व बताते हैं लक्ष्मण को, वो कहते हैं आप जाके उसको इतना डराओ कि वो मेरे तरफ भाग के आए, लेकिन इतना ज्यादा मत डराओ कि मुझसे दूर भाग जाए, है ना। स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में डर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन डर इतना ही होना चाहिए कि हम भगवान की तरफ भाग के जाए। इतना ज्यादा डरा दिया कि लोग भगवान से दूर भाग जाते। तो बहुत लोग इतना डराते हैं प्रीचिंग करके, तो आदमी इतना डर के भाग ही जाता है सीधा, कभी वापस आता ही नहीं है। तो लक्ष्मण राम लक्ष्मण को कहते हैं उसको थोड़ा सा डरा क्या हो। तो लक्ष्मण जाके उसको डराते हैं, सीधा आ जाता है पटरी पे वापस, उसको सब याद आ जाता है। ना कुछ लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि तुम कृतज्ञ हो, उसके बाद बराबर है मैं कृतज्ञ हूं। तो ये अकृतज्ञ है, मतलब ऐसा नहीं कि वो अकृतज्ञ नहीं है, जैसे वो भूल जाते हैं उनको याद दिलाए तो वापस आ जाते हैं। रामायण में अयोध्या में जो भाई है, दो भाई है, भाइयों के बीच में बहुत प्रेम है, कभी झगड़ा होता ही नहीं है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बीच में कभी भी झगड़ा होता नहीं है। लेकिन जब झगड़ा होता है ना, एक बहुत महत्वपूर्ण कारण की वजह से होता है। चित्रकूट में आप राम भरत मिलाप का आप वो सेक्शन पढ़ोगे तो राम और भरत के बीच में बहुत झगड़ा चल रहा है, बहुत संघर्ष चल रहा है। लेकिन संघर्ष क्या है? संघर्ष जो है, अयोध्या में जब भाइयों के बीच में संघर्ष होता है, झगड़ा होता है, वो सही गलत के बीच में नहीं झगड़ा है, वो झगड़ा है क्या सही है और क्या और सही है। There is no question of wrong in अयोध्या। अयोध्या में wrong है ही नहीं, मतलब सिर्फ क्या सही है और इससे ज्यादा सही क्या है, ये झगड़ा है। लंका में भाइयों के बीच में झगड़ा होता ही नहीं है, क्यों? किसी ने मुंह खोला, खत्म, लंका से बाहर। तो बाकी रावण के सब लोग चुपचाप सुनते, तो झगड़ा होता ही नहीं है। तो ऐसा लगता क्या प्रेम है लोगों के बीच में। एक बार मुंह खोला विभीषण ने, सीधा लात मार के भगा दिया, है कि नहीं। और वहां पे जो कन्वर्सेशन होता है, वहां पे सही का सवाल ही नहीं है, क्या गलत है और क्या ज्यादा गलत है, उसके बीच में झगड़ा है। एक बार रावण के सारे जो मंत्रीगण थे, रावण को सवाल पूछ रहे थे, अरे 10 महीने से सीता यहाँ पे ही है,
आप कुछ करते क्यों नहीं है? अब सोचो, यहां पे मंत्रीगण राजा को ये क्या एडवाइस दे रहे, अब सीता यहां पे ये 10 महीने से आप करे, आपने सीता के साथ कुछ किया क्यों नहीं, ऐसे पूछ रहे मंत्री लोग। रावण बोल रहा है क्या करूं, मुझे करना बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पा रहा हूं, मेरे सर पे एक श्राप है, मैंने कोई भी स्त्री को उसके अनुमति के बिना छू लिया तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। क्या डिस्कशन है, देखो एक देश के पार्लियामेंट हाउस में मंत्री और राजा के बीच में क्या डिस्कशन चल रहा है, देखो वहां पे सही गलत का डिस्कशन कभी होता नहीं है, क्या गलत है और क्या और गलत है इसके बीच में डिस्कशन है। और किष्किंधा में दोनों भाई वाली सुग्रीव, उनके बीच में झगड़ा होता है। झगड़ा क्या है, सुग्रीव बोल रहा है मैं सही हूं तुम गलत हो, और वाली बोल रहा है तुम, मैं सही हूं तुम गलत हो। दोनों जो है दूसरे के जो राय है, अभिप्राय है, उसके उस तरफ से देख ही नहीं पा रहे, ये सही गलत के बीच में ही अटक गए ये लोग। किष्किंधा में 3 प्रकार के वानर है। पहले प्रकार के वानर है हनुमान जी जैसे, हनुमान जी जो है अयोध्या वासी जैसे ही है, एकदम परफेक्ट। और दूसरे प्रकार के वानर है वाली जैसे, और वाली जो है रावण जैसे ही है, वाली और रावण में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक बार रावण को पता चल गया कि वाली बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है और वाली के पास अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं, तो रावण को समझ में आ गया कि वाली को छोड़ दूंगा तो एक ना एक दिन वाली लंका पे आक्रमण करेगा और लंका का राज्य ले लेगा। तो रावण ने यह निश्चय कर लिया कि मैं वाली को चुपचाप जाके मार देता हूं। और रावण को यह भी पता चला कि वाली के सामने गए तो आधा शक्ति उसके पास चला जाता है, तो रावण ने यह सोच लिया कि पीछे से उसको मारूंगा। तो रावण ने वाली का पूरा टाइम टेबल स्टडी किया, उसको पता चला कि 3 बार जो है दिन में वो चारों समुंदर का भ्रमण करता है गायत्री करने के लिए, बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड टाइप ऑफ गायत्री करता है वो, है ना, तो इधर थोड़ा उधर थोड़ा, है ना, 4 जगह 4 समुंदर में छलांग मार मार के गायत्री करता है। तो रावण ने सोचा कि जब समुंदर की तरफ उसका मुंह है, चेहरा है, पीछे से जाऊंगा उसकी पूंछ को पकड़ लूंगा, ऐसा घुमा के पटका दूंगा, मार दूंगा। बहुत सिंपल प्लान था रावण का। गया पीछे, वाली वहां पे गायत्री कर रहा था, तो वो रावण ने जाके पूंछ पकड़ लिया वाली का। एक ही प्रॉब्लम था, वो पूंछ जो है वाली का घूमने लगा, रावण के पूरे शरीर को ऐसा झकड़ लिया पूंछ ने, और उसके बाद वाली ने छलांग मारा। लंकेश्वर रावण लटक रहा है बंदर की पूंछ से। अब सोचो रावण बोल रहा, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वाली पूरा अपना गायत्री खत्म किया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। उसको पूछा क्या चाहिए तुम्हें, तो रावण बोलने लगा मैं यहाँ पे आपका दोस्त बनने के लिए आया हूँ। समझ गया मार नहीं सकता हूं, तो दोस्त बन गया बेसिकली। तो रावण और वाली जो है दोनों दोस्त बन गए उस दिन, और दोनों ने एक आग का निर्माण किया और आग के 7 फेरे लिए दोस्ती के, और 7 फेरे लेके दोस्ती के प्रण लेते हैं, बोलते आज से हम दोनों दोस्त, जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो मेरा है, मेरा जो राज्य है तुम्हारा राज्य, तुम्हारा राज्य मेरा राज्य, मेरी जो संपत्ति है आपकी संपत्ति, आपकी संपत्ति मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी आपकी पत्नी, आपकी पत्नी मेरी पत्नी। सोचो ये है वाली, तो मतलब वाली और लावण के बीच में कोई भी फर्क नहीं है, मेंटली सेम है। तो किष्किंधा में 3 प्रकार के वानर है, एक हनुमान जी जैसे अयोध्या वासी परफेक्ट, और एक वाली जैसे एकदम इम्परफेक्ट लंकावासी जैसे, और बीच में सुग्रीव। ये सुग्रीव वाले जो वानर है ना बहुत कंफ्यूज लोग है। हनुमान जी बहुत क्लियर है क्या चाहिए उसके जीवन में, वाली तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है क्या चाहिए उसके जीवन में, ये बीच में है ना सुग्रीव, ये लोग ना बहुत ही अनक्लियर है क्या चाहिए उनको। कभी इस तरफ झुकते कभी इस तरफ झुकते, कभी अच्छे बन जाते कभी बुरे बन जाते। हनुमान जी का संग किया तो भक्त बन गए, वाली का संग किया राक्षस बन गए। तो मतलब ये बीच वाले जो है ना वो हमारे जैसे ही है। हम क्या है, तो ये जो शब्द है ना वानर,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है रामायण में। ये वानर का मतलब क्या है? नर मतलब मनुष्य, वानर मतलब एक सवाल है, क्या तुम मनुष्य हो? तो हर वानर अपने आप को यह सवाल रोज पूछता है, क्या तुम मनुष्य हो? तो वाल्मीकि जो है ये वानर को एक्चुअली बोल रहे हैं, लेकिन वानर के माध्यम से हमको बोल रहे हैं। हर रोज अपने आप को चेहरे आईना, अपना चेहरा जो है आईने में देखो और अपने आप को सवाल पूछो, वानर क्या तुम मनुष्य हो? जब तक हमारा बर्ताव जो है हनुमान जी जैसा रहेगा तब तक हम मनुष्य है, जैसे ही हमारा बर्ताव जो है वाली जैसा बन जाएगा तो हम क्या है? राक्षस है, बंदर है। चार्ल्स डार्विन जो है हमको बंदर से आया हुआ बताता है ना, यही है मतलब, हमारा बर्ताव जो है बंदर जैसा है बेसिकली। तो सुग्रीव जैसे लोग हैं ना, ये बहुत कंफ्यूज लोग हैं। सुग्रीव जब राम के सामने पहली बार आया, उसने क्या किया मालूम है? अपना चेहरा बदल दिया, अपना रूप बदल दिया और उसने मनुष्य का रूप ले लिया, क्योंकि सुग्रीव को लग रहा है कि मनुष्य जैसा दिखता हूं तो मैं मनुष्य हूं। लेकिन सुग्रीव को मालूम नहीं है मनुष्य जैसे दिखने से फायदा कुछ नहीं है। इट्स नॉट अबाउट लुकिंग ह्यूमन, इट्स अबाउट एक्चुअली बीइंग ह्यूमन। बहुत लोग टी शर्ट पहनते हैं बीइंग ह्यूमन, लेकिन है राक्षस, है ना? मतलब सिर्फ बोलने से मैं मनुष्य हूं वो मनुष्य बन जाता नहीं है, वो एक्चुअली मनुष्य का जो बर्ताव है उसके जो गुण है वो होने चाहिए। तो यहां पे हमको लग रहा है ये रामायण चल रहा है, लेकिन एक्चुअली ये हमारे जीवन का कहानी चल रहा है। तो ये तीन प्रकार के बंदरों को देखोगे तो हमको समझ में आता है, भाई हम किधर है? क्या हम अयोध्या की तरफ जा रहे हैं, क्या हम लंका की तरफ जा रहे हैं, क्या हम बीच में अटक रहे हैं, है ना? तो ये इन तीन शहरों से हमको अपने जीवन का सोच समझ में आता है। जीवन का लक्ष्य क्या है? अयोध्या की तरफ जाना। रामायण महाभारत के बीच में इतना सा अंतर है, मैं आपको अंतर क्या बताता हूं। बहुत सारे लोग जो है रामायण की कहानी जब सुनते हैं उनको लगता है कि ये तो बहुत हाई है, ये तो हमारी बस की बात नहीं है, बहुत हाई है ये लोग, इतना हाई तो हम हो नहीं सकते। महाभारत की कहानी हमारी कहानी से बहुत मिलती है। क्यों? महाभारत में सब लोग झगड़ा करते हैं ना, भाई भाई के बीच में झगड़ा है, गड़बड़ सब लोग करते हैं, कृष्ण भी गड़बड़ करते हैं, युधिष्ठिर महाराज गड़बड़ करते हैं, सब लोग गड़बड़ करते हैं, सो चलता है महाभारत मेरे लिए अच्छा है ना। तो बहुत सारे लोग जो है महाभारत से बहुत रिलेट कर पाते हैं, रामायण से रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन रामायण क्या है? रामायण हमें बताता है कि हमको किधर पहुंचना है, महाभारत हमको बताता है हम किधर है। तो जीवन क्या है? महाभारत से रामायण तक की जो सफर है वो जीवन है। अभी हम लोग महाभारत में है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे रामायण की तरफ हमको जाना चाहिए, है ना? बहुत लोग बोलते हैं कि महाभारत को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, महाभारत का जो चित्र है वो घर में लटकाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि महाभारत घर में रखने से बहुत झगड़ा होता है। मैं उनको पूछता हूं, महाभारत जिसके घर में नहीं है झगड़ा नहीं होता है क्या? हाँ, मतलब आपके घर में महाभारत नहीं है तो झगड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन हर जगह झगड़ा हो रहा है। तो महाभारत हमको क्या बताता है? हमारा जो अंदर का कहानी है वो हमको बताता है। आप लोगों ने सबके घर में देखा होगा, सबके घर में फोटो रहता है ना, पति पत्नी दो बच्चे एकदम अच्छे कपड़े पहन के स्माइल करते हुए फोटो लगा हुआ है दीवार पे, लेकिन क्या वो हकीकत है क्या घर का? बिल्कुल नहीं। वो जो फोटो है वो आइडियल है, स्टैंडर्ड, लेकिन जो घर में चल रहा है वो क्या है? महाभारत चल रहा है। तो वो वहां पे फोटो ऐसा क्यों लटकाते हैं? एकदम सब सुसंस्कृत बहुत ही अच्छे लग रहे एकदम संस्कारी, क्यों? क्योंकि हमको याद दिलाने के लिए कि हमें वहां पे पहुंचना है। लेकिन हकीकत क्या है? जैसे आपने अपना चेस्ट एक्सरे देखा क्या कभी? अंदर का एक्सरे बहुत खतरनाक दिखता है ना? एकदम खतरनाक, मतलब आपका खुद का चेस्ट एक्सरे देखो डर जाएंगे रात को देखेंगे तो। लेकिन कोई भी
अपना चेस्ट एक्सरे दीवार पर लटकाता है क्या? मेरा अंदर का पिक्चर बिल्कुल नहीं, क्यों? जो बाहर का दिखता है वो लटकाते हैं दीवार पे। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? अभी हम लोग, हमारे अंदर बहुत सारे दुर्गुण है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम भक्ति करते हैं, जैसे हम अच्छे भक्तों का संग करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, जप करते हैं, धीरे धीरे जो हम एकदम परफेक्शन की तरफ जाएंगे। इम्परफेक्शन टेंडिंग टुवर्ड्स परफेक्शन, दैट्स व्हाट लाइफ इज अबाउट। तो हम लोग जो है अभी रामायण की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये समझना है सबसे अच्छे आदर्श क्या होते हैं। जब हम रामायण को पढ़ते हैं तो हमें ये याद आता है कि सबसे अच्छा आदर्श क्या है। तो हम अभी फिलहाल या तो लंका की तरफ है या एट मैक्स किष्किंधा की तरफ है, तो हमें वहां से उठ के अयोध्या की तरफ जाना है, वो जीवन का लक्ष्य है। अभी मैं आप लोगों से किसी को पूछने वाला नहीं हूँ कि आप किष्किंधा में हो कि लंका में हो, वो आपके ऊपर है, आपको ही डिसाइड करना है आप किधर हो, है ना। लेकिन हमको पहुंचना है अयोध्या की तरफ। ये जो है रामायण का लक्ष्य है, ये जो है हमारा लक्ष्य है, और ये जो है आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद शुभलास प्रभु जी। प्रभु जी की जब कथा चल रही है तो ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 2-3 दिन ही होने वाली है, ऐसी चलती रहनी चाहिए शायद पूरा हफ्ता। तो हम शुभलास प्रभु जी को एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये हमें सुमधुर कथा की ये जो फीस्ट है वो अभी 2 और दिन चलने वाली है। तो कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। हिज ग्रेस सुजय गोविंद प्रभु और चित्रलेखा सखी माता जी, हर ग्रेस चित्रलेखा सखी माता जी आप खड़े होंगे प्लीज़। उन्होंने डोनेशंस दिए हैं प्रसादम सर्विंग वेसल्स के लिए, जो हम हमेशा फेस्टिवल्स में यूज़ कर रहे हैं और करेंगे आगे जाके। माता जी हैं, माता जी ने एक, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। और आप में से कितने भक्तों को ये व्यासासन पसंद आए? तो शाम प्रभु जी आपसे उद्घाटन हुआ है व्यासासन का। तो श्याम गोरखे प्रभु है यहाँ पे, श्याम गोरखे प्रभु जो हिज ग्रेस अजित माधव प्रभु जी के काउंसिली है, इन्होंने ये स्पॉन्सर किया है पूरा व्यासासन। तो हिज ग्रेस सुजय गोविंद प्रभु जी के लिए, हरे ग्रेस चित्रलेखा सखी माता जी के लिए और श्याम गोरखे प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे हम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। अभी प्रसादन, कीर्तन और प्रसादन। यस, अभी कीर्तन होगा और फिर प्रसादन के लिए हम नीचे जाएंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी।